लेट्स कंटिन्यू आवर टॉपिक नंबर सिस्टम एंड टुडे इज द सब टॉपिक इज द एक्सपोनेंट एंड क्वेश्चन इज 15 एक्सरसाइज 1G एंड हेयर द क्वेश्चन इज प्रूव दैट दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1। तो प्रूविंग में आप डायरेक्टली क्वेश्चन में ही हम स्टार्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो अगेन राइट करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया तो इक्वल साइन रिमूव हो जाएगा, इट मीन्स प्रूव करना है हमें 1। क्लियर? सही। नाउ डॉट्स मीन्स मल्टीप्लाई है, ये सब थर्ड पावर सेम है। ओके, उससे पहले हम माइनस पावर को क्या करने दें, प्लस। तो माइनस है एक्स पावर माइनस 1 कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या जाएगा, वाई अपॉन एक्स इंटू वाई, डिनोमिनेटर में जेड अपॉन वाई इंटू, नाउ दिस इज एक्स अपॉन जेड। थर्ड पावर आर सेम, मल्टीप्लाई केस है, दैट्स वाई 1 इज थर्ड इज वाई अपॉन एक्स इंटू जेड अपॉन वाई इंटू एक्स अपॉन जेड। y y कैंसिल, z z कैंसिल, x x कैंसिल, दैट्स वाई वैल्यू इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 इक्वल टू 1 एंड दिस इज आर आर एच एस एंड हैंस प्रूव्ड। राइट ऑन। ओके क्लास, लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर इज 15, पार्ट इज थर्ड, अगेन प्रूविंग क्वेश्चन, प्रूव दैट दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1। तो नाउ हेयर यू विल यूज लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल रिमूव हो गया, 1 प्रूफ करना। क्लियर? सी, सो जो भी आपको इजी लगे वो करिएगा। पावर्स के ऊपर पावर्स है तो पहले मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हम, ए टू डी मल्टीप्लाई बी, ए बी माइनस ए सी। क्लियर? नाउ दिस इज आल्सो बी की ए से, ए बी माइनस बी सी। ओके, एंड दिस इज एक्सपोनेंट, ब्रैकेट लगा लिया करें, डिवाइड एक्स टू पावर पावर्स के ऊपर पावर, इट मीन्स बी सी, पावर्स के ऊपर पावर्स है, इट मीन्स ए सी। क्लियर? नाउ सी, एम माइनस एन से भी कर सकते हैं, थोड़ा डिफरेंट करते हैं। क्या आप इसको ब्रेक कर सकते हैं? अगर ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर 2+3, इसको कह सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, यस और नो? नाउ दिस इज ए बी इंटू एक्स टू डी पावर माइनस ए सी। आप एम माइनस एन का रूल भी लगा सकते हैं, चलिए आपको एम माइनस एन ही लगा देंगे। ओके, वही बेटर रहेगा आपके लिए, मैनी मेथड से हो सकता है। सो बेस सेम है, डिवाइड केस है, तो ये पावर अब जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो नाउ एक्स टू पावर ए बी माइनस ए सी माइनस ए बी एंड प्लस बी सी, डिवाइड डिवाइड को राइट किया हमने मल्टीप्लाई, और ये इंटरचेंज हो जाएगा एक्स टू पावर ए सी अपॉन एक्स टू जी पावर बी सी। क्लियर? नाउ समथिंग कैंसिल, ए बी कैंसिल, सो दिस वैल्यू एक्स टू डी पावर माइनस ए सी प्लस बी सी मल्टीप्लाई, डॉट लगा दे रहे हैं, एक्स लग रहा है आपको, ये छोटा सा एक्स, सेम बेस है, डिवाइड केस है, तो ए सी ये पावर अब जाके माइनस बी सी। सो इन मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाएंगी, यस एड, तो माइनस ए सी प्लस बी सी प्लस ए सी माइनस बी सी, बी सी बी सी कैंसिल, ए सी कैंसिल, कैंसिल होने में जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, 0। तो समथिंग पावर 0, वेरिएबल पावर 0, इट इज नोन एज 1 एंड दिस इज आर आर एच एस एंड हैंस प्रूव्ड। राइट? ओके, नाउ सॉल्व वन मोर क्वेश्चन, 15 पार्ट 4th, अगेन प्रूविंग क्वेश्चन, प्रूव दैट दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1। तो इक्वल रिमूव, सो हेयर यूज लेफ्ट हैंड साइड, तो 1 प्रूव करना है, साइड में नोट कर देते हैं। ओके, नाउ पावर्स एंड द पावर्स, सो मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई ए इज 2a प्लस 2b 1। नेक्स्ट
एक्स टू पावर टू बी प्लस टू सी, नेक्स्ट एक्स टू पावर टू सी प्लस टू ए इन अपॉन सेम बेस है मल्टीप्लाई केस है तो पावर क्या हो जाएगी एड, इट मीन्स एक्स टू पावर ए प्लस बी प्लस सी एंड द होल पावर इज फोर, क्लियर। नाउ हेयर आल्सो सेम बेस है मल्टीप्लाई केस है सो एक्सपोनेंट एड, सो नाउ एक्स टू पावर इज व्हाट इज टू ए प्लस टू बी प्लस टू बी प्लस टू सी प्लस टू सी प्लस टू ए एंड अपॉन पावर्स टू पावर्स देन मल्टीप्लाई फोर ए प्लस फोर बी प्लस नौ सो पावर्स टू ए प्लस टू ए दिस मीन्स एक्स टू पावर टू ए प्लस टू ए यस फोर ए प्लस फोर बी प्लस फोर सी अपॉन एक्स टू डी पावर फोर ए प्लस फोर बी प्लस फोर सी, सी बोथ आर सेम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दैट्स व्हाई बोथ आर कैंसिल आउट एंड इज इक्वल टू वन एंड दिस इज आर आर एच एस एंड हैंस ट्रू, नोट डाउन। ओके क्लास एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ explanation and question number is the 16 and the simplify, clear। now a very important question hai and listen carefully, dhyan se dekhiyega। see variable hai to sabse pehle is variable ko aap le ja rahe hain, exponent ki kuch rules hain ki agar aap usse karenge to question easy ho jayenge, agar apna mind lagate hain na tough ho jata hai। तो b माइनस सी आपको लग रहा होगा सर पहले इसकी मल्टीप्लाई ऐसे कर दें तो वैल्यू टफ हो जाएंगी, ओके सही। नाउ b माइनस सी एंड द पावर इज b प्लस सी माइनस ए, सेम वे x टू दी पावर c माइनस ए एंड द होल पावर इज c प्लस ए माइनस बी, सेम वे x टू दी पावर a माइनस बी, ये पावर अब जाके माइनस से जाएगा द होल पावर इज a प्लस बी माइनस सी, क्लियर। नाउ सॉल्व पावर्स की ओर पावर्स है तो मल्टीप्लाई जाएगी बट इसकी मल्टीप्लाई अगर हम इससे करेंगे तो काफ़ी लेंथी होगी। सी ये b माइनस सी है b प्लस सी है तो इसमें हम यहाँ पर ब्रैकेट यूज़ कर ले रहे हैं, ओके। नाउ हेयर टू में ब्रैकेट हेयर आल्सो यूज ब्रैकेट, ओके सी। सो मल्टीप्लाई बी माइनस सी बी प्लस सी तो क्या आ जाएगा बी माइनस सी की मल्टीप्लाई बी प्लस से करी तो दैट्स वाई बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है इट मीन्स माइनस का ए बी एंड माइनस माइनस प्लस का ए सी, क्लियर। नेक्स्ट इज एक्स सेम केस c माइनस ए की मल्टीप्लाई सी प्लस ए से हुई तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नाउ c माइनस ए की मल्टीप्लाई माइनस बी से हुई तो माइनस बी सी प्लस ए बी, ओके। नेक्स्ट इज माइनस माइनस प्लस एंड वैल्यू आ जाएगी बी सी। नाउ नेक्स्ट इज a माइनस बी की मल्टीप्लाई ए प्लस बी से हुई तो x टू दी पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी से हुई तो माइनस ए सी एंड माइनस माइनस प्लस बी सी। पावर्स के ऊपर वेरिएबल सेम है एंड मल्टीप्लाई केस है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे एड, सो एक्स टू डी पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए सी ये आ गया प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी। सी दे आर कैंसिल और नॉट, यस बी स्क्वायर से माइनस का बी स्क्वायर कैंसिल, माइनस सी स्क्वायर से प्लस का सी स्क्वायर कैंसिल, माइनस ए बी से प्लस ए बी कैंसिल, प्लस ए सी से
माइनस ए सी कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, माइनस बी सी से माइनस बी सी कैंसिल, ऑल आर कैंसिल. तो दैट्स वाई दिस वैल्यू इज एक्स टू दी पावर जीरो एंड द वेरिएबल पावर जीरो इज नोन एज वन. दिस इज आवर आंसर. नोट डाउन. ओके क्लास, सो क्वेश्चन नंबर 16, दिस इज द लास्ट सेशन. जो क्वेश्चन नंबर 17 और 18 है वो आपको हॉलीडे के बाद करना है, ठीक है. सो एक पीडीएफ आपको सेंड की जाएगी, वो आपको जून में कंप्लीट करनी है. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू.